आज की मुरली की मुख्य शिक्षाओं को स्वयं के साथ पक्का करें और साथ साथ अपने पांचों ही स्वरूपों का अभ्यास करें। बाबा ने आज ये बार बार पक्का कराया, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा वंशी, फिर तुम विष्णु वंशी बनेंगे, देवता बनेंगे, संगम युग पर अमरनाथ बाप तुम पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, जिससे तुम अमर बन जाते हो। लेकिन आज बाबा ने कहा, बच्चे जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो। तो आज पूरा दिन बुद्धि को चिंतन की पॉइंट देते रहो, हे आत्मा तुम कितनी भाग्यशाली हो, संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण परमात्मा बाप के बच्चे इस नशे में रहे। बाबा ने आज कहा, बच्चे तुम रचता रचना के आदि मध्य अंत को सब ज्ञान के राज को जान चुके हो, कैसे हम देवता बनते हैं। तो बुद्धि को इस मंथन में बिजी रखें, स्वयं को चेक करें, बाप की श्रीमत का पालन मैं आत्मा कहां तक कर रही हूं। अपने भविष्य स्वरूप को सामने लाए, मैं देवता देवता बन रही हूं। संगम पर ही बाबा ने कहा, तुम्हें देवता बनना है, तो अपने को देव स्वरूप में देखें। मैं डबल ताजधारी देवता अनुभव करें, फील करें, मेरी आत्मा भी पवित्र, मेरी काया भी पवित्र, मैं पवित्र आत्मा पवित्र देह में विराजित हूं, फील करें। डबल ताज मुझ देवता को है, मेरे अंदर सारे दिव्य गुण भरे हुए हैं, इमर्ज करें। सुंदर आभूषणों से सजा हुआ मेरा देव रूप देवता बन जाए। और आसपास सतयुग को देखें, आज बाबा ने कहा, बच्चे ऐसी दृष्टि हो मैं देवता, आसपास वाले भी देवताएं हैं, सिर्फ साधारण वस्त्रों में है, साधारण देह में है, क्योंकि पार्ट बजा रहे हैं, वस्त्र बदला है,
लेकिन देव कुल की आत्माएं हैं। आज पूरा दिन परिवार को भी देव कुल की आत्मा के रूप में देखें, फिर देखना वो भी देवता ही बन जाएंगे। पहले मुझे देवता बनना है। आज वरदान में जो बाबा ने कहा देना है, लेने की आश नहीं, अब तो मैं देवता बन गई हूं, मैं तो भरपूर हूं, मुझे जो चाहिए था सब कुछ बाप ने दे दिया। अभी इसी स्वरूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाए, मंदिरों में, घरों में, मूर्तियों में संकल्पों से प्रवेश कर ले, और अपने भक्तों को भी दाता बनकर सब कुछ दे दे। मैं देने वाली दाता, इष्ट देव, इष्ट देवी, पूज्य आत्मा हूं। बाप मेरे साथ कंबाइंड है। जो निरंतर मुझे देता रहता है प्यार, सम्मान, सहयोग, निरंतर बाप दे रहा है। उसी प्यार, सम्मान, शक्ति, पवित्रता को अपने भक्तों को दे। मैं पवित्रता की देवी, अब स्वयं को फरिश्ता रूप में देखें। संपूर्ण प्रकाश में काया, भविष्य रूप से वर्तमान संपूर्ण स्वरूप में आ जाए। ये संगम युग का संपूर्ण स्वरूप है, प्रकाशमय फरिश्ता। और मस्तक में चमकती आत्मा अनादि स्थिति में स्थित है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, बच्चे बुद्धि से भी अपना पांव तत्व से नीचे नहीं उतारना है, अर्थात निरंतर ये स्मृति रहे, मैं पवित्र आत्मा। लाइट के शरीर में जिसको भी देखे उसको आत्मा देखे। आज बाबा ने कहा बच्चे पवित्रता की धारणा से ही फरिश्ता सो देवता बनेंगे। तो किसी के देह पर मेरी नजर न जाए, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता के दाता, बाप से कंबाइंड। सागर से जुड़ी हूं जिससे पवित्रता की लाइट और माइट निरंतर मुझे प्राप्त हो रही है। जहां पवित्रता है वहां ही सुख शांति है। तो आज बाबा की इन शिक्षाओं को सारा दिन अभ्यास करते जाना है, सबको देते जाना है, दृष्टि से भी दो, वृत्ति से भी, वाणी से भी,
और व्यवहार से भी, क्योंकि मैं विश्व की भाग्य विधाता हूं। ॐ शान्ति।